हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनार। सब कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम कुछ ग्रो करने जा रहे हैं, तो वही आपको दिखा रहे हैं। और मुझे दोस्तों ओलियंडर ग्रो करना है, तो उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और अभी गर्मी के सीज़न में ग्रो होता है या नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अप्रैल का महीना है और गर्मी काफ़ी होने लगी है। तो देखते हैं दोस्तों ग्रो होता है, अगर हो जाएगा ग्रो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धनिया इस टाइम पर हरा धनिया दोस्तों थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, कम मिलता है और महंगा भी बहुत हो जाता है। तो घर पे ही अगर लगा लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और अपने घर का फ्रेश धनिया तो अच्छा लगता ही है। और देखिए कैसे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये अपना पुराना एक गमले में मिट्टी भर ली है, देखिए पानी मैंने डाला है, तो इसमें कैलेंडुला निकल रहे हैं। और कैलेंडुला दोस्तों अभी कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि दोस्तों अब इनका सीजन नहीं है, तो शायद ये अपराजिता था। और मुझे अभी इसमें अपना धनिया ही लगाना है, तो इसलिए मैं ये सब निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है ओलियंडर, तो दोस्तों हमने इसको दो टुकड़े कर लिए हैं। जैसे कि हमारे पास साबुत धनिया रहता है ओलियंडर, देखिए कुछ इस तरह से साबुत रहता है, तो उसको हमें तोड़ देना है। जैसे कि आप हल्का हल्का कुछ भी ऐसे चलाएँगे तो ये टूट जाएगा, एक से दो टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों, तब ये आराम से लग जाएगा। और हमें दो टुकड़े करके ही लगाना है, अगर आप साबुत धनिया डाल देंगे दोस्तों तो नहीं निकलेगा। और जब हम ऐसे तोड़ के डालेंगे क्रश करके हल्के हाथ से करना है, ताकि ये एक से दो टुकड़े हो जाएं और हमारा धनिया ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तभी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने मिट्टी बनाई है, तो ये दोस्तों मेरे पुराने गमलों की जो मिट्टी थी वही है, बस मैंने इसमें दो तीन दिन से पानी डाला है, तो ये प्लांट कुछ निकल आए हैं। तो ये देखिए हम कुछ इस तरह से इसको ऐसे इसकी गुड़ाई कर देते हैं, ताकि जो सेट हो गए हैं मिट्टी, तो ये देखिए अब इसको आप कैसे डालना है, ये देखिए और ये देखिए, या तो आप लाइन बाई लाइन डाल सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये ऐसे ऐसे ये देखिए। तो इतनी सारी धनिया है, हम दो गमले में दो टब में इनको लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने डाल दिया, ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे, या आप इसी को ऐसे ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आप मिट्टी डाल सकते हैं ऊपर से, तो ये हमारा हल्का सा दब जाएगा, ताकि चिड़िया या गिलहरी इसको ना खाएं। तो बस दोस्तों मैं ऐसे ही ग्रो करना है, इसको हल्की छाया में धूप में रखना है, शेड एरिया में आप रख सकते हैं, जहाँ धूप भी आए छाया भी आए, मतलब कि एक आध घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए काफ़ी है, और ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है हमें। और बस इस तरह से हमने अपना ग्रो कर लिया धनिया, देखिए डाल दिया सॉरी सीड धनिया के। तो आप घर में आपके धनिया अगर सूखा रखा हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर जो आसपास कोई दुकान हो ग्रोसरी स्टोर में वहाँ मिल जाते हैं, आराम से खड़ा धनिया मिल जाता है दोस्तों, तो आप इससे ग्रो कर सकते हैं, ले आइए और आराम से ग्रो कर लीजिए, और ताज़ा धनिया फ्रेश धनिया अपने घर का यूज़ करिए अपने खाने में। और यहाँ पर ये हम जो सूखे यहाँ पर मेरी मिट्टी रखी हुई है एक गमले में, तो मैं इसको ऐसे ऊपर से डाल देती हूँ, यानी इसको हम कवर कर देते हैं, ताकि हल्की हवा से ये उड़े ना और ये अच्छे से ढक जाए, ताकि गिलहरियाँ या चिड़ियाँ इसको ना खाएं। देखिए हमने अपना धनिया डाल दिया, तो हम बस आप आप इसको ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, आराम से ग्रो हो जाता है, पहले भी मैंने ग्रो किया था तो हो गया था, और फिर उसके बाद मैं अब डाल रही हूँ फिर से, तो ग्रो हो जाएगा। और एक तसला और रखा, उसमें भी डाल देते हैं, तो बस ऐसे ही ग्रो करना है दोस्तों। और इसका अपडेट हम देंगे आपको, कैसा जो भी जैसा रहेगा देंगे, अगर निकलेगा तो भी, और नहीं निकला है धनिया तब भी दिखाएंगे आपको कि नहीं निकला है। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का, तब तक ले बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और यहाँ पर मेरे कैलेडियम लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत से, बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।